पाया कि प्रोटोकॉल में हम आए हैं और रिक्शे में जा रहे हैं। तो गाड़ी हमारी आ चुकी है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं और हम लोग गुलशन मीमार में और आमिर भाई पहुँच गया फाइनली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और एक नए व्लॉग के साथ आगाज़ करती है और आज है हमारा मातली से जाने का दिन। हम लोग निकल रहे हैं कराची के जानेब और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद। तो उसमें तो कुछ दिन है इस्लामाबाद जाने के लिए, पर अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आपको बाखबर रहे। तो व्यूअर्स, हम लोग जा रहे हैं और सिर्फ अब्दुल्ला यहाँ पर जो है ना अभी ज़िंदा है, सारे बाकी सो रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बैग शेक हमारा रेडी है और मातली को बाय बाय करने वाले हैं। बाकी सारे लोग सो रहे हैं, वापसी का कोई पता नहीं है कि कब आना हो या नहीं भी हो। ये भी हो सकता है कि शायद हम ना आए ऐसे, तो तुसी ना जाओ। तो ये है कि बस आप लोग मेरे जो है ना व्लॉग्स देखा करें, मैं आप सबको मिस कर रहा हूँ मातली वालों को। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई, हमारी बात ही आप लोगों को बुरी लगी हो, तो सब मातली वाले से मैं माजरात ख्वाहूँ। और बस यहाँ तक हमारा सफ़र था आप लोगों के साथ। और इंशाल्लाह अगर आगे भी ज़िंदगी रही और हमारा ज़रूरत मोटू को रहा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। और मोटू अभी सो रहा है। मुस्तफ़ा भी ले रहा कान में हेडफ्री लगा के, बाकी लोग भी सारे सो रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। भाई आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे हैं कि कराची जा रहे हैं अभी। मातली को छोड़ रहे हो? मातली को राइट नाउ तो छोड़ने का ही इरादा है। अभी और हम लोग भी निकल पड़े हैं और अभी जा रहे हैं कराची। ये है एहतिशाम साहिल और ये है बाया। बाया के प्रोटोकॉल में हम आए हैं और रिक्शे में जा रहे हैं, तो ये यहाँ तक पैदल आ गए। बस बाजार नज़दीक है और अभी इस रिक्शे में बिठाए, इसमें तो सैर अच्छा हो रहा है। लाइफ में क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये बाया के प्रोटोकॉल में हम लोग आ रहे हैं तो ये हो रहा है हमारे साथ, देखो। तो व्यूअर, बस के आने में तकरीबन 2 घंटे बाकी है। ये साहब यहाँ पर सो रहा है और मैं बैठा हूँ। बस साहब कंडक्टर ने कहा कि बस के आने में तकरीबन 2 घंटे है क्योंकि 12 बजे एक गाड़ी निकलती है जो आप लोग मिस कर चुके हो और एक आएगा 2 बजे। तो हमने सोचा कि आएगा 2 बजे बस, तो इससे अच्छा है कि हमारे पास थोड़ा टाइम है, इसमें हम नमाज़ पढ़े। तो हम लोग चले और मस्जिद की तरफ। मस्जिद में हमने पढ़ा, सामने मस्जिद है, यहाँ पर हमने पढ़ा नमाज़। तो बस के आने में तकरीबन अभी 15 मिनट बाकी है, तो हम नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, फिर रवाना होते हैं कराची की तरफ। तो गाड़ी हमारी आ चुकी है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं कराची के लिए। लेट्स गो। ये वाला बस जो है ये थोड़ा अच्छा है, सही है। पहले वाला जो बस में हम गए थे वो तो बिल्कुल काम का नहीं था, ये थोड़ा बेहतर है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभी हम बाय बाय मातली कर रहे हैं। तो ये बदीन का इलाका मातली है और हम लोग यहाँ को जो है ना बाय बाय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जितनी भी निज़ामी कम्युनिटी है, हमें प्यार किया, हमसे मोहब्बत किया, हमें रिस्पेक्ट दिया, तो हम सबके मशहूर है और खुश है यहाँ से जा रहे हैं। तो व्यूअर, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सन के दूसरा बड़ा सिटी हैदराबाद में। हैदराबाद की बहुत सारे चीज़ें मशहूर है जिसमें बिरयानी सबसे पहले आते हैं।
हलीम बुम्बई केक जो कि बहुत ही पुराना यहाँ पर जो है ना पाया जाता है, उनकी बहुत बड़ा तारीख़ है। अगर मैं उसकी तारीख़ बयान करूँ तो वो उसके एक अलग व्लॉग बन जाएगा। हैदराबाद की टोटल कुल मिलाकर जो रकबा है वो तकरीबन 3,198 मुरबा किलोमीटर है। हैदराबाद की मशहूर चीज़ों में चांदी जो कि बहुत फेमस है, जो बाहर ममालिक में भी हैदराबाद की चांदी मशहूर है। चार मीनार की खूबसूरती, लाड बाज़ार, सन म्यूज़ियम, सन यूनिवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है जो कि बहुत मशहूर है। ये लोग अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बर्गर शर्गर बेच रहे हैं, महंगाई किस हद तक है, ये बेचारे इसमें क्या कमाएंगे। शाम बाया और मैं कराची पहुंच गए। वी आर क्रॉस हाईवे खैर करे हमने फाइनली हाईवे को क्रॉस कर दिया भाई। हम लोग यहाँ पर आमिर भाई के वेट कर रहे हैं, वो अभी पहुंचेंगे तो फिर उनके साथ जाएंगे। क्या ख्याल है भाया, ऐसा है? बिल्कुल सर। हाँ, और हम लोग गुलशन मीमार में और आमिर भाई पहुंच गया। फाइनली आमिर भाई पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 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 भाया असीब, वेलकम टू माय व्लॉग सर। इसी तरह हर वक्त हाजिर है हम आपके। अस्सलाम वालेकुम। सो हम लोग गुलशन मीमार कराची पहुँच गए हैं और आमिर भाई हमें पिक करने आए हैं। अब लोग चलते हैं घर। तो व्यूअर, उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लोग बाखबर रहे। थैंक यू सो मच। तो सालार भाई, आपके गिफ्ट हमें रिसीव हो गया है और आप इसके ओपनिंग कर रहे हैं, इसमें क्या है तो चलो ओपन करते हैं। ये भी चॉकलेट्स, ये भी चॉकलेट्स, ये खजूर और ये अभी जमजम का पानी, जमजम वाटर, और ये खजूर हो गए सही है, और ये टोपी है। तो थैंक यू सो मच, मैं ये ज़बरदस्त खूबसूरत गिफ्ट आप लोगों ने मुझे दे दिया। तो थैंक यू।